हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलिमेंट ऑफ लाइफ। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज के वीडियो में हम देखने वाले अपनी कार घर में कैसे रिपेयर करें और अपना पैसा कैसे बचाएं। तो मेरा ये फियाट लिनिया मॉडल है, पेट्रोल मॉडल है 2009 का। अभी मैं कुछ दिन से इसको मुझे गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है और मैं एक क्लच दबाता हूँ तो ये पूरा ऊपर नहीं आ रहा है, अंदर ही बैठ रहा है। ये पैडल फ्री हो गया है, देखो मुझे ऊपर उठाना पड़ रहा है इसको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गियर शिफ्ट करता हूँ, देखिए मुझे दिक्कत आ रही है, ये गियर एंगेज नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। मैं क्लच पूरा दबाया हूँ फिर भी गियर कोई भी है ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, एंगेज नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है मेरा क्लच लेव सिलेंडर ख़राब है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी कार का क्लच लेव सिलेंडर ख़राब हो गया था और ये मैंने ऑनलाइन 99rpm.com से ऑर्डर किया था और ये 3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था और आज मेरे घर में डिलीवर हो चुका है। बहुत बढ़िया से पैकिंग है। अब मैं इसे खोलता हूँ, देखता हूँ ये पार्ट्स बराबर है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये क्लच सिलेंडर ऑर्डर किया था और जो पार्ट नंबर है एग्जैक्टली वही पार्ट नंबर मुझे डिलीवर हुआ है। इसका कॉस्ट लिखा है 2717 रुपीज़ और इसके ऊपर मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज मिला लगा है। ये सिंगल यूनिट है। और बहुत ही बढ़िया इसका क्वालिटी है, एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था वही पार्ट मुझे मिला है। चलो अभी मैं इसको बिठाता हूँ। मैं आपको इसका मैकेनिज़्म समझाता हूँ। अंदर से जो क्लच पैडल है उधर से ऑयल पुश होता है, यहाँ से जो पाइप है यहाँ से डायरेक्टली ये बैटरी है, ये बैटरी के नीचे में इसका स्लेव सिलेंडर है, उस स्लेव सिलेंडर गियर बॉक्स पे कनेक्टेड है और वहाँ से वो गियर को पुश करता है और गियर शिफ्ट होता है और एंगेज होता है। तो चलो अभी हम इस स्लेव सिलेंडर को निकालते हैं। उसको निकालने के लिए मुझे पहले बैटरी निकालना पड़ेगा, बैटरी का जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो निकालना पड़ेगा और उसके नीचे में वो स्लेव सिलेंडर है। चलो तो अभी मैं इसको खोलता हूँ। अब खोलना है बैटरी का हाउसिंग जिसके ऊपर बैटरी बैठता है, उसके नीचे में है क्लच का स्लेव सिलेंडर। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ। अब इसके नीचे में होता है ये क्लच स्लेव सिलेंडर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा क्लच स्लेव सिलेंडर। शायद इसमें ऑयल लीकेज होने की वजह से मेरा क्लच अंदर बैठ रहा है, गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ये मेन रीज़न है उसका, ऑयल लीक हो गया है क्लच स्लेव सिलेंडर का। इससे क्या होता है, जो ब्रेक फ्लूड है उसका लेवल कम हो जाता है और गियर शिफ्ट होने में दिक्कत होती है। इसका ये माउंटिंग है 2 नट बोल्ट के ऊपर, इसको मैं खोलूँगा बाहर निकालूँगा। ये देखिए, ये इसका है डैमेज पीस, इसका लिंकेज खुल गया है। तो चलो जल्दी से हम इसको दूसरा पार्ट बिठा देते हैं जो मैंने 99rpm से मंगाया है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, कार का कोई भी पार्ट्स है वो बिठाने के पहले पुराना पार्ट्स और नया पार्ट्स दोनों मैच करके देखना है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए और अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न हो जाए। तो मैं दोनों पार्ट्स चेक कर रहा हूँ, ये दोनों बिल्कुल ही बराबर है, एग्जैक्टली जो पार्ट मैंने मंगाया था वही मुझे 99rpm से मिला है। इवन इसका जो लीवर का जो लेंथ है वो भी मैच कर रहा है, दोनों सेम है।
बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है मुझे। कि नए सिलेंडर को बिठाने के पहले इसका जो ये सेफ्टी ढक्कन दिया है वो निकालना है, और इसको ये दबा के इसका जो ये क्लिप है वो निकाल देना है। इसको अच्छे से बाजू में रखना है। तो मैंने इस पाइप को अच्छे से बिठा दिया है। अब जो ये इसका सर क्लिप है वो मैं उसको लगा देता हूँ। जस्ट इसको दबा के प्रेस कर देना है ताकि पाइप वाइब्रेशन से बाहर ना आए और अपना ऑयल लीकेज ना हो जाए। इसका यही पर्पज़ है। ये KBX का .4 ऑयल है जो कि क्लच और ब्लैक फ्लूड है, वो मैं इसमें टॉपअप कर देता हूँ उसके कंटेनर में, क्योंकि मेरे पुराने क्लच लेवल सिलेंडर में लीकेज होने के कारण उसका ऑयल लेवल कम हो गया है। तो मैं इसको खोल के इसमें टॉपअप कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वहाँ से उसका स्लेव सिलेंडर निकालने के कारण उसका प्रेशर ज़ीरो हो गया है, रिलीज हो गया है। इसकी वजह से क्लच अभी अंदर बैठ रहा है। अब मैं इसको पंपिंग करके प्रेशर क्रिएट करता हूँ। प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्लच को ऐसे पंप करना है लगातार, जब तक वो अपने पुराने पोजीशन पे नहीं आता है। तो अभी अपने पुराने पोजीशन पे आया है। तो अभी मैं इसका बैटरी बिठा देता हूँ। बैटरी बिठाने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने खोला था वैसे इसका बिठा देना है। और इस चीज़ का इंश्योर करना है कि दोनों टर्मिनल अच्छे से फिट हो गया है, उसमें कोई लूज कनेक्शन नहीं है, ताकि बैटरी चार्जिंग में दिक्कत ना हो, स्टार्टिंग में दिक्कत ना हो, कोई और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अभी मैंने जैसे था पहले से वैसे कर दिया है। मैंने पुराना स्लेव सिलेंडर निकाल के नया बिठा दिया है और बैटरी को रीफिट कर दिया है। तो चलो अभी हम इसका स्टार्ट करके टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मेरा प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ ले लिया। ऑनलाइन पार्ट ऑर्डर किया, उसको घर में ही बिठा दे दिया। अभी जैसे कि देख सकते हो एकदम मक्खन की तरह ये गियर गिर रहा है, एकदम एक उंगली से गियर गिर रहा है। तो इस तरह से मैंने घर में ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ के, जो गैरेज में गैरेज वाले रहते हैं वो हमको फंसाते हैं, बोलते अगर मैं गैरेज में जाता तो बोलता वो आपका क्लच प्लेट गया है, प्रेशर प्लेट गया है, इंजन खोलना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 30,000 से 40,000 का खर्चा आता। तो वो मैंने सब बचा लिया है और मैं खाली 2,917 रुपीज़ को ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और आधा घंटा मुझे खाली इसको बिठाने में लगा है। चलो तो अभी हम ड्राइव कर लेते हैं। एकदम बढ़िया से ये गियर गिर रहे हैं। अभी मैं सेकंड गियर डाल दिया हूँ। अभी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।